Hi friends, I hope you all are doing well. Myself KD Shivam. Already we have done few maxims. I hope you have gone through it. Agar aapne wo nahi dekha ya interest hai aapko koi maxim dhoond rahe hain, to you can just visit my channel. You can just click my the link given in the description. Aur playlist ka link diya hua hai. आप चेक कर सकते हैं, आपको जो मैक्सिम चाहिए वो लेना है। मैंने लास्ट मैक्सिम में ये भी बताया कि किस तरह लिखना चाहिए आपको एलएलबी स्टूडेंट्स, सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले, राइट। आज हम जो मैक्सिम करने वाले हैं वो है वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल, क्वी प्रायोरेस्ट टेम्पोरे फोर्टियोरेस्ट जूरे, राइट। जब इक्विटीज इक्वल होते हैं तो उस वक्त जो फर्स्ट हैं बराबर वो विक्टरी गिनाएगा, वो विनर गिनाएगा, उसी को पोजीशन मिलेगा प्रॉपर्टी की बात है तो, राइट। दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम सेज। नाउ मीनिंग इट मींस ही हु इज फर्स्ट इन टाइम इज फर्स्ट इन राइट, और वन हु इज प्रायर इन टाइम हैज अ सुपीरियर राइट इन लॉ, बराबर। वन हु इज प्रायर इन टाइम, जो पहले है उसी को राइट इन लॉ मिलता है। Where the equities are equal and neither claimant has legal estate. देखिए वापस ये वर्ड आ रहा है legal. इसके पहले वाले previous maxim में हमने किया था, क्योंकि अगर legal rights है तो equity पिछड़ जाएगा, लेकिन यहाँ है ये बता रहे हैं कि where the equities are equal and neither claimant has the legal estate, the first in time prevails. मतलब जो पहला हैगा उसी को ये मिलेगा। Explanation. Accordingly, where there are two competing equitable interests, the general rule of equity is that the person whose equity attached to the property first will be entitled to priority over the other, right? तो सबसे पहले जो person है उसका अगर equity attached है property के साथ, तो उस property का हकदार वही होगा, right? Example ले लेते हैं। A enters into a contract for the sale of his house with B. बराबर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ अपने घर बेचने का। देन थोड़े दिनों के बाद वो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सी द इंटरेस्ट ऑफ बी एंड सी बोथ आर बीइंग इक्विटेबल, सही है ना, क्योंकि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन इसमें पहले किसने किया, बी, तो बी विल हैव द प्रायोरिटी ओवर सी बिकॉज इज अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी फर्स्ट। एग्जाम्पल, एक मैन एडवर्टाइजमेंट करता है अपने बोट बेचने का, स्मॉल बोट बेचने का, तो वो एडवर्टाइजमेंट देखकर एक बंदे ने कॉल किया, उसने कहा देखो मेरे पास आपने जो बोला उतना पैसा है नहीं, मैं $20 कम दे सकता हूँ, अगर आपको मंजूर है तो ठीक है। तो ये जो पर्सन जो बेचना चाहता है उसने हाँ बोल दिया, तो ओके डील हो गया। फिर उसने ये भी कहा कि ठीक है मैं जब आप डिलीवरी लेने आऊँगा या तो लेने आऊँगा बोट, तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो भी फिक्स हो गया। तो इट वॉज ऑलरेडी एवरीथिंग फिक्स्ड, दैट इज सैटरडे को दूंगा। तभी थोड़े दिनों के बाद एक दो दिन में दूसरा बंदा आता है और ये पर्सन क्या करता है, बोट उसको बेच देता है, राइट। अब बताइए हु इज द रियल ओनर ऑफ द बोट, दोनों ने, दोनों का हक होता है उस पर, बराबर, दोनों ने एग्रीमेंट किया। लेकिन लॉ ऑफ इक्विटी ये कहता है कि द फर्स्ट बायर गेट्स द बोट एंड द सेकंड बायर गेट्स ओनली हिज मनी बैक। दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम सेज। दुरेस्वामी, लेट अस टेक द केस दुरेस्वामी रेड्डी वर्सेस अंगप्पा रेड्डी। इट वाज हेल्ड दैट द प्रायर ट्रांसफरी वुड बी एंटाइटल्ड टू एनफोर्स हिज राइट्स दो हिज डॉक्यूमेंट्स इज रजिस्टर्ड लेटर एंड इवन इफ इट सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शंस बोनोफाइड विदाउट नॉलेज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, राइट। ये मैक्सिम अप्लाई हुआ है इस केस में। वो भले उन्होंने एंटाइटल जो उन्होंने जो राइट्स जो है उसका एंटाइटल हुआ है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले उनका जो एग्रीमेंट हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इनका हुआ। तो जिसका पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जिसका पहला हक होता है वही को वो चीज मिलती है या वो प्रॉपर्टी मिलती है, राइट। तो इट वाज हेल्ड दैट दिस रिजल्ट वाज इम्प्लिसिट एंड वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ
Section 47 of the Registration Act and Section 48 of Transfer of Property Act. अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हफीज मोहम्मद अनवर वर्सेस जमुना प्रसाद सिंह. It was stated that according to the Section 48 to the Transfer of Property Act, if the same property has been transferred at different times, बराबर जैसा भी illustration में भी देखा था, तो same property को दो अलग अलग time पे transfer किया गया, then the transfer shall not confer any right, title or interest on the basis of the subsequent transfer vis-a-vis the first transfer. बराबर जो second ट्रांसफर है, जो दूसरी बार दूसरा बंदा है जो बाद में ट्रांसफर कराता है, उसको ना राइट मिलेगा ना टाइटल ना रे इंटरेस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी मिलेगा. राइट, दिस इज हाउ द मैक्सिम वर्क्स. एप्लीकेशन, ये मैक्सिम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है. दिस मैक्सिम ऑपरेट्स वेयर देयर आर टू और मोर कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बोथ द इंटरेस्ट आर इक्विटेबल. बराबर, और दूसरा है व्हेन टू पार्टीज ईच हैव अ राइट टू पोजेस समथिंग, then the one who acquired an interest first should prevail in equity. वापस बता रहा हूँ, when two parties each have a right to possess something, then the one who acquired an interest first should prevail in equity. Okay, limitations. ये limitation section 50 of the Registration Act के मुताबिक है. The priority is given to the subsequently registered deed over a prior unregistered deed. देखो, subsequently registered deed over a prior unregistered deed. This exception is to pay heed to the doctrine of notice. Now, section 78 of TPA 1882 itself lays down an exception. There can be cases where deed of transfer is executed through gross negligence, fraud or misrepresentation of the previous transferee. It is interesting to note that in such cases, the priority of the previous transferee will be postponed. रिकग्निशन इंडिया में कहाँ कहाँ रिकग्निश होता है. एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और दूसरा है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. कंक्लूशन, दिस मैक्सिम इज मीन फॉर टू कंपैरेटिव इक्विटेबल एस्टेट विद टाइम. टाइम विल हैव प्रेफरेंस. इफ वन पर्सन कैच्स हिज इक्विटेबल इंटरेस्ट बिफोर द नोटिस ऑफ द अदर, ही विल डेफिनेटली हैव प्रायोरिटी बिकॉज हिज इक्विटी इज फॉर इक्विटी इन फॉर्मर पॉइंट ऑफ टाइम दैट बिकम्स हिज प्रिविलेज. राइट, तो इफ वन पर्सन गेट्स इज इक्विटेबल इंटरेस्ट बिफोर द नोटिस ऑफ द अदर, ही विल डेफिनेटली हैव प्रायोरिटी बिकॉज हिज इक्विटी इज इन फॉर्मर पॉइंट. राइट, सबसे पहले उसका आता है, दैट इज द रीजन ही गेट्स दैट प्रिविलेज. सो दोस्तों, कैसा लगा हमारा मैक्सिम का डिस्कशन. आई होप आपको समझ पड़ा होगा, और अगर आपको क्वेरी या कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू. ओके, टिल दैट बाय. प्लीज़ हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करो, इतना शेयर करो कि सबको पहुंचे ये वाला वीडियो. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.